वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने एनसीईआरटी मेडिकल को सॉल्व करके टेक्निक से बताया था, बहुत ट्रिक मेथड से, कि कैसे भी हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया के कोई भी क्वेश्चन उसको आप ऐसे इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सब मैंने आपको बताने के बाद आज मैंने बताया, आज उसके पहले भी बता चुका हूँ कि आपके नेक्स्ट लेक्चर में क्या मिलेगा। तो आज आपको मिलने वाला है प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म का अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आपको प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, या आप एक फ्रेश आप ये सोचते हैं कि प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को मुझे जानना है कि प्रिज्म ट्रायंगुलर ही होता है, जरूरी है कि नहीं है, तो इन सबको अगर आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है तो प्लीज क्या करें, इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। बहुत जरूरी बात है, वीडियो को शेयर करना सबसे बड़ी बात है। सो प्लीज क्या करिएगा, वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को शेयर करिए, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह करके होंगे, ठीक है। तो और अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया फिर मायोपिया के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्या करिए, जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जैसे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाइए बिल्कुल जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए, या फिर सिंपल सा डाल दीजिए मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बाय संतोष अग्रवाल, तो आप आसानी से पा सकते हैं। तो इसी लेट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्लीज एक ही बात है, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इसलिए बनाया जा रहा है। तो बच्चों बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। देखो प्रिज्म जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। प्रिज्म जो होता है आपका वो एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें से दो सरफेस, देखो दो रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे एक एंगल पे बने होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग अगेन रिपीट, जो प्रिज्म होता है यहां पर राइट हुआ है, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस। देखो प्रिज्म जो होता है क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। प्रिज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम के होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें दो प्लेन सरफेस होते हैं जो एक एंगल पे होते हैं, कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म जो होता है एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो प्लेन सरफेस होते हैं, वो एक एंगल पे झुके होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रिज्म। इसी जब आपको मैं रेनबो पढ़ाऊंगा तो रेनबो या फिर और भी चीजें हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन इफेक्ट भी है आपके टॉपिक में, शायद होगा कि नहीं होगा, ठीक है, देखा जाएगा। तो वहां पर इसलिए मैं आपको बताऊंगा प्रिज्म का मतलब ये जो भी बात नहीं होता है कि ट्रायंगुलर ही हो, और भी शेप हो, जैसे आप पर रेन जो ड्राफ्ट होता है, रेन ड्राफ्ट भी किसकी तरह बिहेव करता है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहां से भी क्या होता है, कलर का डिस्पर्जन होता है तभी आपका रेनबो बनता है। अगर कलर का डिस्पर्जन नहीं होता ना तो रेनबो नहीं बन पाता। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका, ये जरूरी नहीं होता है कि आपका जो प्रिज्म वो ट्रायंगुलर हो, ओके, ट्रायंगुलर हो जो, यह जरूरी नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो आई टोल्ड यू प्रिज्म इज अ व्हाट, प्रिज्म जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस एट इंक्लाइंड एंगल, एट सम इंक्लाइंड एंगल, ठीक है ना, किसी एंगल पे क्या होंगे, झुके हुए होते हैं। अब किसी भी प्रिज्म के पास स्टूडेंट दो नहीं तीन, देखो ट्रायंगुलर सरफेस होगा, तीन ट्रायंगुलर सरफेस कहां कहां होता है, एक इस तरफ दिख रहा होगा, एक उस तरफ, दो, और एक नीचे भी ट्रायंगुलर सरफेस होता है जो आपको दिख नहीं रहा, वो थ्रेडी फिगर इसे मैंने बनाया है, ये मत सोचिएगा ना दिखने के लिए बनाया है, इसलिए बनाया गया है कि जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है, हाँ, जिससे आपको क्या हो ये अच्छा लगे। तो ये मैंने थ्रेडी फिगर बनाया जो आपका प्रिज्म होता है, आप ऐसे भी राइट करेंगे ना एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। प्रिज्म जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है जिसके पास क्या होता है, दो टू ट्रायंगुलर सरफेस और थ्री क्या होगा, रेक्टेंगुलर सरफेस, ओके। तो जो प्रिज्म होता है स्टूडेंट, प्रिज्म जो होता है एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, प्रिज्म जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और इसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होते हैं, दो प्लेन सरफेस एक एंगल पे होते हैं, और हर प्रिज्म के पास टू ट्रायंगुलर सरफेस, दो क्या होगा ट्रायंगुलर सरफेस होगा, एक दिख रहा होगा उस तरफ और एक क्या होगा इस तरफ, एक रेक्टेंगुलर यहां पे, एक रेक्टेंगुलर यहां पे और एक रेक्टेंगुलर यहां पे, तो कितने रेक्टेंगुलर होते हैं, थ्री रेक्टेंगुलर होता है और दो क्या होता है ट्रायंगुलर सरफेस होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। प्रिज्म क्या होता है आपको पता चल गया, प्रिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं मैंने आपको बताया, दो क्या होगा ट्रायंगुलर होगा, थ्री क्या होगा रेक्टेंगुलर, देखो एक यहां पे एक उसके पीछे, एक रेक्टेंगुलर यहां पे, एक यहां पे और एक उसके नीचे। अब यहां पे कुछ बातें आती है, ध्यान समझिएगा, बात ये आता है कि प्रिज्म एंगल क्या होगा, प्रिज्म एंगल क्या होगा, इसलिए प्रिज्म एंगल क्या होता है कि जो दोनों सरफेस हैं
वो जितने एंगल पे बनाए रहते हैं, जितने एंगल पे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। तो यहां पे बोल सकते हैं एंगल बिटवीन सरफेस, एंगल बिटवीन सरफेस, सरफेस के बीच का जो ये एंगल होता है ना, सरफेस के बीच का जो ये एंगल होता है, जैसे एक यहां पे, तो इनके बीच जो ये एंगल बना होगा, यही एंगल क्या होता है, प्रिज्म एंगल। और इसका सिंबल होता है स्टूडेंट ए, इसका सिंबल क्या होता है, ए होता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिंग इड्स, दो सरफेस जहां पर भी मिलते हो, जैसे देखो एक सरफेस यहां पे, एक सरफेस यहां पे, यही पे मिल रहे हैं ना, यहां पे ज्वाइन करा रहे हैं, और यहां पे भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है, यानी कि दो सरफेस जहां पर भी मिलते हैं, जिस लाइन पे मिलते हैं, द लाइन एट वेयर द टू सरफेस मेट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग इड्स, किनारा जिसको बोलते हैं भाई। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग इड्स, रिफ्रैक्टिंग इड्स, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो जिस लाइन पे दोनों सरफेस क्या होते हैं, मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग इड्स। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस भाई, जिस सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, जिस सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा भाई। उसे देखो प्रिज्म को आप कैसे भी रख दो, रिफ्रैक्शन होता ही रहता है ना। तो जितने भी सरफेस होते हैं, जिस सरफेस से बना होता है आपका प्रिज्म, वही क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। तो मुझे लगा कि बात समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप जो डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पिछली बार आया था, ठीक है। तो प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपको एक प्रैक्टिकल भी करना है क्लास टेंथ में, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, सो बिफोर टू स्टार्ट टू दैट पॉइंट नोट डाउन इट, ओके ओके स्टूडेंट, लेट्स सी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि जो लाइट होता है जब वो प्रिज्म पे गिरता है ना, तो कैसे चलता है, उसका पाथ किस तरीके से होता है, क्या वो डिविएट होगा या नहीं होगा। तो अगर वो डिविएट होता है, भटकता है अपने मार्ग से, तो कितना भटकेगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या आएगा, इन सब के बारे में क्या होगा, आज आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। अब उसी के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। सो सबसे पहले प्रिज्म के डायग्राम को हम चेंज करते हैं। अब प्रिज्म आपको 3D में नहीं बनाएंगे, 2D में बनाना है आपको। तो प्रिज्म कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए प्रिज्म जो है, अभी प्रिज्म आपका ऐसे हो गया, सपोज दैट एक्स वाई, प्रिज्म का नाम दे दिया, आप भी दे सकते हैं कुछ भी। प्रिज्म का नाम क्या है, एक्स वाई जेड। प्रिज्म का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, क्लियर हुई बात। आप देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, प्रिज्म एंगल हो गया कैपिटल ए, प्रिज्म एंगल क्या हो गया कैपिटल ए, और ये दोनों क्या है, रिफ्रैक्टेड सरफेस, ये भी और ये भी, दोनों क्या है, रिफ्रैक्टेड सरफेस है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट सरफेस पे एक देखो ऐसे इंसिडेंट रे, आपको रट के नहीं बनाना है बच्चा, इजी वे से समझाएंगे आपको, और ये एग्जाम में आपके आया था, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को मैं एक बार बता दूंगा तो इसको आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। देखो एक ऑब्लिक ऐसे गिर रहा है, एक लाइट स्ट्रेट में नहीं डाल रहा हूं, ऑब्लिक करके डाल रहा हूं। तो अब ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। जब ये यहां पे गिरेगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, सबसे पहले यहां पर नॉर्मल ड्रा कर दें। तो अभी क्या कर रहा है, रेयर मीडिया से कहां पे जा रहा है, डेंसर मीडिया में। पिछली बात ध्यान समझिएगा, जो ट्रायंगल मैंने लिया है, जो आपका प्रिज्म है, इक्विलेटरल फेस है, ठीक है, सबका सरफेस क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। तो अब यहां पे देखो, अभी कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो जब ये रेयर से डेंसर में जाता है, तो अभी क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। ये देखो अभी क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। तो अब ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। कौन सा रे स्टूडेंट, रिफ्रैक्टेड रे। अब इस पे गिर गया, अब फिर मैं वही काम कर दे रहा हूं, नॉर्मल डाल दे रहा हूं। क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। अब इसका काम क्या है, पहले बताओ मुझे इसका काम क्या है। अब ये कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो अब ये तो ऐसे निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है लाइट का नेचर था, कि जब डेंसर से रेयर में जा रहा था, तो क्या हो रहा था,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भाग गया, नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भाग गया। क्लियर? इसको देखो ध्यान से, इस लाइट, ये जो लाइट था ऐसे जा रहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइट जा रहा था ऐसे जा रहा था, लेकिन अब ये ऐसे नहीं है, अब ये इस प्रकार से हो गया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ, देखो ध्यान से, ये लाइट ऐसे जा रही थी, अब ये ऐसे चली गई, ऐसे था अब ये ऐसे हो गया। तो अब मैं पूछूंगा ये बताओ डिविएशन कितना आया, तो कहेंगे सर इतना डिविएशन हो गया। जो ये एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं डिविएशन एंगल। यहां पे हम राइट भी कर दे रहे हैं पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, डिविएशन एंगल। और ये देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये क्या है, इमर्जेंट रे। आपके पास समझ में आया है ना, लाइट ऐसे जा रहा था, अब ऐसे बेंड हो गया, तो अब ये डिविएशन एंगल हो गया। और भैया डिविएशन एंगल का सिंबल होता है देखो डेल, किसका सिंबल है, देखो ऐसे बनाना है आपको, ऐसे करके ऐसे, ये क्या है, डिविएशन एंगल का सिंबल। तो जो ये एंगल इतना बन गया आपका, ये जो एंगल बन गया, ये है डिविएशन एंगल डेल। क्या डिविएशन एंगल डेल, क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ रहा होगा ध्यान से। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, आई, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, आई हो गया। और ये क्या है, रिफ्रेक्टेड रे, सॉरी रिफ्रेक्टेड रे है, और ये क्या है, नॉर्मल, इनके बीच एंगल क्या हो गया, आर। अब ये निर्गत है, देखो निकल रहा है, और ये क्या है, नॉर्मल है, तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, ई। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कभी कभी ऐसा भी बनाता हूं, आई वन आर वन आर टू आई टू, तो वो अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि कैसे पाथ बनाते, सबसे पहले क्या करना है, आपको सीधे डालना है, तो रेयर से कहां पे जा रहा है, डेंसर में नॉर्मल को झुका देना, फिर अभी कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, बाहर कर देना, थोड़ा दूर कर देना। अब इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, आपको पता होगा इस तरह हमारा लाइट ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे हो गया, यानी कि आप ऐसे सीधे जा रहे थे, अभी ऐसे चले गए। आप देखो ध्यान से, ऐसे आपको जाना था, आप ऐसे मुड़ गए, तो अब मैं पूछूंगा बताओ कितना बेंड हुए, तो कहेंगे सर इतना डिविएट हो गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिविएशन एंगल, इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिविएशन एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, और डिविएशन एंगल का सिंबल क्या होता है, डेल। तो अगर इसके लैंग्वेज को लिखना चाहेंगे आप लोग, तो लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, ठीक है, कि लाइट पहले यहां से रेयर से कहां पे गई, पॉइंट सरफेस पे फॉल्स होती है आई एंगल पे, और डेंसर रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या हो गया, बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड बिकम्स पैरेलल टू बेस, एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन द सेकंड सरफेस, देन अगेन इट गोइंग टू फ्रॉम ए डेंसर मीडिया टू रेयर मीडिया, एंड बेंड टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके, सो इजिली वी कैन ड्रा द रे डायग्राम। अब कैसा भी जो पाथ है रेस का, जो लाइट का जो पाथ है वो कैसे होता है, आपको मैंने बताया, ये डिविएशन एंगल होता है, एक स्टूडेंट होता है मिनिमम डिविएशन एंगल, मिनिमम डिविएशन एंगल, और इसका सिंबल होता है डेल एम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। जब इंसिडेंट एंगल एंड डिविएशन एंगल, जब मैं क्या कहता हूं इंसिडेंट एंगल और डिविएशन एंगल के बीच ग्राफ ड्रा करता हूं, तो ग्राफ यार कुछ अजीब तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। कैसे बिहेव करता है वो समझिए, जब आप इसके में पॉइंट लिख रहा हूं, जब आप इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कराते हैं, तो जो डिविएशन एंगल है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो अगर ये मैक्सिमम रहा होगा, अभी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। और सेकंड में क्या होता है कि ये इसकी जो वैल्यू होती है डेल की, सॉरी
जो डेढ़ की वैल्यू होती बिल्कुल लिस्ट हो जाती है, डेढ़ की वैल्यू क्या हो जाती बिल्कुल न्यूनतम आ जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये कि इस इंसिडेंट एंगल पे जो डेल होगा वो सबसे कम हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं मिनिमम डिविएशन एंगल। और अगर आप फिर अब क्या करिए, यहां पे तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप यहां पे आई को इंक्रीज कराते हैं तो जो डेल होगा आपका इंक्रीज नहीं होगा, सॉरी जो डेल है वो डिक्रीज नहीं होगा, अब वो क्या करेगा इंक्रीज होना शुरू कर देता है, क्लियर। और इस प्रकार से आपको जो कर्व मिलता है उसको बोलते हैं आइडियल कर्व, व्हाट आइडियल कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट आइडियल कर्व। सो अगेन डिस्कस अबाउट दिस, हमने कहा कि डिविएशन एंगल क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि जिस एंगल पे इंसिडेंट रे क्या होता है डिवेट होता है, द एंगल एट विच द इंसिडेंट रे डिवेटेड इज कॉल्ड द व्हाट डिविएशन एंगल, या फिर कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंट रे इन्वर्जेंट रे इज व्हाट डिविएशन एंगल, ठीक है। सिंबल क्या होता था डेल होता था, और हमने आपको बताया एक होता है मिनिमम डिविएशन एंगल, यानी कि जब डिविएशन एंगल की वैल्यू क्या होता है मिनिमम हो जाए, डिविएशन एंगल क्या होता है मिनिमम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं मिनिमम डिविएशन एंगल। और कैसे मिलता है उसकी कंडीशन क्या है आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले ग्राफ देखना पड़ेगा, ग्राफ मैंने बनाया क्या आई वर्सेस डेल, किसके बीच के बीच ग्राफ ड्रा किया आई वर्सेस डेल, जब आई वर्सेस डेल के बीच ग्राफ ड्रा किया गया तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जब आई को इंक्रीज करते हैं, देखो आई क्या कर रहा बढ़ रहा है, जो डेल होता है डेल क्या करता है धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जिसपे क्या होता है डेल मिनिमम हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं ये सिचुएशन कौन सा है, ये तब होता है जब ये आपका इंसिडेंट है किसके इक्वल होता है इमर्जेंट है, सॉरी इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो जाता है, जब ये इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो जाता है तब उस सिचुएशन में एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। तो ये हो गया डेल एम। अब अगर आप इंसिडेंट एंगल को इंक्रीमेंट कराएंगे आप बढ़ाते रहिए तो अब डेल कम होने वाला नहीं है, डेल क्या होगा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपको एक ग्राफ मिलता है, एक कर्व मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं आइडियल कर्व। ये कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। ये था स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है कहीं पे थोड़ी सी भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप प्लीज क्या करते हैं कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स इसीलिए बना हुआ है उसमें मैं फिर से आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहां तक कि मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा, बस आप क्या करिए वीडियो को लिंक को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बस यही हम आपसे दुआ करते हैं, ठीक है। आपसे भरोसा भी आप करेंगे भी हमारी बातों को नहीं काट सकते, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं कलर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कलर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट यानी कि सात रंगों में कैसे उभर जाता है, कौन सा रंग ज्यादा बेंड होता है कौन सा रंग कम होता है, वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है कौन सा ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उसको आपको डिटेल से समझना है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।